आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जब बाबा तुझे डांटते हैं तुझे बुरा लगता है ना, उसी तरह जब तू रॉबी को डांटता है तो उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। वो कोई बच्चा नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। उन्हें देख अनु, तू उसे प्यार से समझा, वो जरूर समझ जाएगा, क्योंकि इस तरह उसे कुछ समझ नहीं आने वाला है उन्हें, और वो तुझे भी गलत समझेगा और रिश्तों को भी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सोच रहा है, बात करेगा ना उससे? बोल। हाँ मेरी माँ, बात करूंगा उससे। जल्दी रस्में शुरू करा। हाँ माँ। माँ, माँ मैं सोच रहा था कि अब जब हमारा लोन सैंक्शन हो ही गया तो क्यों ना हम लोग कल गैस एजेंसी का उद्घाटन कर लें। अरे पापा कल इतना जल्दी, सब इंतजाम कैसे होगा? अभी तो थोड़ा दिन। माँ, जिम्मेदारी का एहसास होने में मुझे इतनी देर लग गई, अब जिम्मेदारी उठाने में मैं देर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, तुझे लगता है कि कल हो सकता है तो ठीक है, हम उद्घाटन कल ही करें। ठीक है, मैं सामग्री लेके आती हूँ। रसोई मौली जरा अंदर आने। ये भी कोई वक्त है आने का? कहाँ रह गए थे आप? एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए जाना पड़ गया। ये भाई रोबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बाबा वो यहीं पर था, मैं भी देखती हूँ। रोबी मुझे बात कर ली, तूने डांटा उसको कल? धनी तू भी रॉबी की तरफदारी कर रही, तू जानती है उसने किया क्या है? 20 लाख रुपए जुए में हार गया वो। अनु मुझे पता है, मासी माँ ने बताया मुझे। देख उसके दोस्त आए हुए थे और फिर जीजू भी इन्वॉल्व थे, वो सिर्फ ताश ही तो खेल रहा था ना। मतलब तेरे हिसाब से उसने जो किया वो सही किया? नहीं अनु मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर बात को करने का समझाने का एक तरीका होता है ना। बोल, मेरा तो हर तरीका गलत होता है ना। तू फिर बात को गलत समझ रहा है, तू चाहता है ना कि रॉबी मैच्योरली बिहेव करे, तू तो उसे समझा भी उस तरह से ना। एक बात बता, जब बाबा तुझे डांटते हैं तुझे बुरा लगता है ना, उसी तरह जब तू रॉबी को डांटता है तो उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। वो कोई बच्चा नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। उन्हें देख अनु, तू उसे प्यार से समझा, वो जरूर समझ जाएगा, क्योंकि इस तरह उसे कुछ समझ नहीं आने वाला है उन्हें, और वो तुझे भी गलत समझेगा और रिश्तों को भी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सोच रहा है, बात करेगा ना उससे? बोल। हाँ मेरी माँ, बात करूंगा उससे। ठीक है, डैनी मामे भूख लग गया। अच्छा आप किचन में चलो, मैं अब भी आती हूँ। अरे वाह, अभी से बच्चों को संभालने की आदत डाली है। अनु ये माँ, तुम दोनों का बात अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। अरे जितना बात करना घर जाकर एक दूसरे से कर लेना, इतने सारा लोग आए हुए, कम से कम उनसे भी तो बात करो। तानी पहले तो मुंह फुला के बैठ जाती, और अभी बात शुरू होता है तो। मेरा गमन का समय हो गया, पंडित जी आ गए, अभी चलो चलो रे बाबा। गिरा दामन की रसम एक बहुत महत्वपूर्ण रसम मानी जाती है। इस धागे का कटना ही ये साबित करता है कि शादी का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी को बांधता ही नहीं, बल्कि एक साथ जीवन के पथ पर चलना और एक दूसरे का होकर के जीना सिखाता है। ये गांठ टूटी ही नहीं है, बल्कि टूटते टूटते पति पत्नी को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देता है। इसीलिए तो पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे के बने रहते हैं। घड़ी को ऐसे क्या घूर रही है? तेरे घूरने से क्या तेज चलेगी? ये रस्में भी ना पता नहीं कब खत्म होंगी। मैं तो ना तंग आ गई हूँ इस रोज़ रोज़ के झमेले से। मुझे यहाँ से निकल कर ना
तुम्हारे साथ हमारे घर जाना है। पता, तुमसे दूर रहना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब गठबंधन खोल दीजिए। अभी पूजा खत्म हो गई है, अभी सब खाना खा के जाना। हाँ। सुनना मुझे कुछ। अरे बाबा नहीं, अभी बिल्कुल समय नहीं है। अरे देखा नहीं, बाहर सब रिश्तेदार ने खाना खा भी लिया और अब लोग पार्टी में हैं। अरे बाबा सब चले जाएंगे तो आराम से बैठ के बात कर लेंगे। मुझे बैंक जाना पड़ेगा अभी। क्यों? दुकान के पेपर्स बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे। जितना जल्दी मॉर्गेज की फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे उतना जल्दी डिसबर्समेंट मिलेगा। माँ, विपुल दा के पास ऑलरेडी कितने सारे कस्टमर्स लाइन लगा खड़े हैं। अगर हम लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे ना तो एजेंसी हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं बाबा, तू एक काम कर, अब ये पान है ना सबको जाके बाहर बांट दो, मैं कमरे से लेकर आती हूँ ना कागज। जा, मैं लेके आती हूँ। काबुनिमा और तापस दा फिर से दुकान गिरवी रखने की सोच रहे? नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी, वो ऐसा नहीं कर सकते।